बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज दानीज किचन में हमारे कश्मीरी इलाके के रवायती मसालों के साथ आलू गोश्त बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 केजी गोश्त, टमाटर 1 पाव, 1/2 किलो आलू, 1 पाव प्याज, लहसुन 12 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा पिसा हुआ, तेल 200 ml। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लौंग, राई दाना, छोटी इलायची 2 अदद, सौंफ, मोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी, गोल लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च साबत, काली मिर्चें, जीरा, खुश्क धनिया, मेथी दाना, नमक। अब मैं इन मसालों को हल्का सा भून लूंगी। मैं जीरा, खुश्क धनिया, सौंफ, मेथी दाना, राई दाना। मसालों से खुशबू आने लगी है, अब मैं इनको चूल्हे से उतार लूंगी। अब सारे मसाले और साबुत मिर्चें डालकर बारीक पीस लूंगी। गोश्त चूल्हे पर चढ़ा दिया है, इसमें लहसुन, अदरक पेस्ट, प्याज, नमक और 1 कप पानी डालकर गलने के लिए रख दूंगी। गोश्त तकरीबन 80% गल चुका है। अब इसमें तेल, टमाटर, पिसे मसाले, आलू, हल्दी इकट्ठा डाल के अच्छे से भून लूंगी। मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें 5 कप पानी शामिल करूंगी। आलू गोश्त तैयार है। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया और खुश्क मेथी डाल के 2 मिनट दम पे रख दूंगी।